हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अज्जू भैया कुल पहाड़। तो आज अभी निकल रहे हैं अपन नितिन भैया के यहाँ, प्रोग्राम है, चौक है 23 मार्च। तो अभी निकलते हैं, मैं जा रहा हूँ और नीरज जा रहा है, आशीष भैया जा रहे हैं। तो कुछ नहीं, अभी नीचे कुछ पहना नहीं, जूते वगैरह, बाकी सादा सिंपल ऐसे जा रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही जा रहे हैं, मतलब कोई बटवट नहीं कर रहे हैं। तो निकलते हैं घर से, और अगर प्रोग्राम बाहर होगा तो भैया का इसमें वीडियो भी डाल दूंगा, अंदर होगा तो नहीं जाऊंगा मैं। और चलते हैं, नितिन भैया को भी मिलवाते हैं इसमें। तो हो सकता है कि छोटा ब्लॉग भी हो, लेकिन आप बने रहिए, जितना बड़ा होगा मजा आएगा आपको, ठीक है? तो चलते हैं घर से, निकलते हैं। 1 2 3 4 4, वाह काफी अच्छा दिख रहा है यार। गाइस, तो हम लोग नितिन भैया के घर के लिए निकल रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं पेट में कुछ नहीं है, अभी खाली है, और उधर जाके देखो फिर अभी कुछ नहीं है। और हमें ऐसा लग रहा है कि ये बताएगा कि हमें कैसा लग रहा है, बता भाई। आपका चेहरा उदास क्यों है? उदास नहीं है, अच्छा उदास नहीं है भाई, बहुत खुश है। हमारे भाई ने न्यू फोन, अपन को पता है, आपने अगर पुराना ब्लॉग देखा होगा जिसमें हम लोग महोबा गए थे, तो भाई ने आज इसका क्या बोलते हैं उद्घाटन किया है, फोन का उद्घाटन कर दिया है, मेल आईडी डाल दी है। अगर आपके पास कोई फोर व्हीलर हो, हमारी गई है आज बुकिंग पे, तो नींबू और मोबाइल पहिए के नीचे रख के वो रसम होती है, उसको पूरा करना है। तो मोबाइल नींबू नीचे, अच्छा गाड़ी से नींबू तोड़ते फोड़ते नहीं था भाई। देखो एक तो मजे की बात बताए, हम लोग जिस दिन जा रहे थे महोबा, तो जी चला रहे थे गाड़ी, हम बैठे थे बीच में और जी पछाड़ बैठे थे। So, उनको आओ, मनीष भैया को फोन, डॉक्टर साहब को, सुबह कह रहे का भाई मोबाइल गिर गाओ, भाई तुम्हें आगे ध्यान, सुबह कह रहे का भाई मोबाइल गिर गाओ। तो हमने बताओ हाँ भाई ऐसे ऐसे करके गिर गाओ, तो और हमने की अबे तुम काटो फोन, हम गाड़ी चलवा रहे, अब मैंने कभी समझ में आवा दो मिनट, गाड़ी चलवा रहे जी, चला रहे थे तो हमें थोड़ी बताना पड़ा ना कि भाई एक्सीलेटर ले, भाई तुम ईमानदारी से बताओ, हमने 5-6 दिन उस दिन कही थी तुमसे भाई इतना बड़ा चलो, तो तुमने कही थी बड़ा चलो, बात कर रहे हैं गाड़ी चलवा रहे थे जी, चलवा रहे थे बैठे थे हम, तो हमने गलत कही थी, बोलवा गलत कही थी, तो गाड़ी चलवा रहे थे, अगर ना कही 4-5 बार कि भाई बड़ा चलो, अभी इसलिए कहा था 4-5 बार भैया गार्ड टूट चुका था, ऐसा लग रहा था कि दुकान बंद ना हो जाए। और अब हमारे हो रहे लेट, सो पहले नितिन भैया के थे होले, फिर बाद में मिलते, बाद में मिल रहे हैं तुम्हारे से, और उतर पे का पता कौन कौन सी गोपी का हम उनको इंतजार कर रही हुए, मतलब अब जी लोग तो शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा है, जो भी शादीशुदा है, हमारी शादी नहीं भैया, वैसे थोड़ी हमें थोड़ी लगो रात के देख लें को, तो चल रहे हैं। मेरा साथी मेरे साथ ना, कटे ना कटे दिन रात ना, ओ मेरा साथी मेरे साथ ना, या ओ मेरा साथी मेरे साथ ना, कटे ना कटे दिन रात ना, ओ मेरा साथी मेरे साथ ना, तो सुन लेना तू है मेरा रफी, मानो ना मेरे कभी बात हबीब, ओ दिन रात यूं ही बे, तो हम क्या करें अब जाने दो वो बातें कहां, तो तेरी यादें जो बिगाड़े जहां, अब सुना दे पूरी दास्तां, ऐसे कैसे आए ना बताए और चल बड़ी थोड़ा पीछे ज्यादा ना हो जाइए, बहुत दम लग गया भाई अपने फोन को, हम लोग आ चुके हैं खा पी के, बेहाल खात नहीं है हम कब, लेकिन हमें 2 दाने स्वीटी खा ली, हम तुमसे कान पकड़ रहे, तुम्हारे हमें क्षमा कर दो, जब हमारे संगे हो तब हम 2-2 दाने खा ले, 2-2 जे ज्यादा खा ले भाई हम नहीं खाते कुछ भी बिल्कुल, अच्छा अबे कोका तो भाई संगे पान दो कसम खा रहे थे भाई, जब पता है की खिलाना क्या रे भैया का, अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, एक नंबर बढ़िया मस्त, हमें इस चीज का बड़ा खेद है कि हमें छोटा सा बाबू देखने को नहीं मिला, वो भाई लेटा होगा अंदर ना, लेकिन अब हम लोग पर्सनल जाएंगे और आशीष और उससे कुछ लेंगे उसको देख के आएंगे, आशीष कह रहे थे
टोपी तो दे रहे हाँ हो, सुनो ए, अब का भाव की सबको अलग अलग चीज लेगा, कोई कपड़ा कोई कछु। नीरज भाई ने, नीरज ने दई आशीष खले आगे, मतलब आशीष ना हते तो नीरज, आशीष ने कह दी नीरज से कि हम अगर तुम ले आई हो जे ले आयो तो टॉफी 150 रुपये की। सो नितिन भैया को बच्चा कितने महीना या कितने साल को है चो घो रहा हूँ जी, बोले 2 महीना को बोले कह रही टॉफी को मम्मी पापा ले भाभी तुम का लियो तुम ज्यादा हाँ सुना नितिन भाई तुम ना खाइयो हमें दे दियो दुकान पे आके हमें टॉफी हमारे भी लेता आइयो हम खा लेना हम भी अभी भी तो ये ना तुमने बताया तुम कैसे कहा था हमने भाई ये टॉफी वाला ढंग से खाता है ओ कभी दबा भी तुम समझ गई हम तो जने हट के खाते हैं हमारी तो भाई नहीं है, पता ही नहीं हमारी भी नहीं भैया हमारी हो चुकी शादी उनकी शक्ल बता रही उनको चेहरा बता रहा हूँ कैसी भाई भाभी की बहुत देसत है जी कुमारे हम पूरे कुमारे हम पूरे शादी सदा बस इनकी इनकी दर्जन बार का शादी भाई ये सारी की शादी सारी तो बहुत भगवान की कृपा है देवी ब्लॉग देखती है कटिया सुना बोली को भेजी जाती जहाँ जो कहानी जाते ही बन जाता है भाई हम और में सुंदर को लग रहा हूँ तुझे पूछ रहे की पापा का नाम चंदन है की पापा का नाम चंदन है ये तो तुमने झूठी बोल दिया नहीं भाई हमारे पिताजी को नाम है तो पापा को नाम सुंदर तुम थोड़ी सुंदर हो तो जब पापा को नाम सुंदर है तो हम भी तो सुंदर हुए भाई तुम्हारे बस सूरत है ऐसे सुंदर कांड करा दो हमें को गाना गाने तुम हम कैमरा बंद कर दो हमें बाद में गाने कर दे।